जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी उनके शक शुबा हैं, उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके माध्यम से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ये उनके भले के लिए है और ये बिल्कुल एक्यूरेट मीटर्स हैं। लोगों के डाउट्स हैं, जैसे मिथ है कि ये मीटर तेज चलते हैं, हमने उसको उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मीटर्स हाईली एक्यूरेट मीटर्स हैं। 0.0001% इसमें एरर के चांसेस हैं। और अब हमने हर सब डिवीजन में अपने चेक मीटर्स रख दिए हैं। जो चेक मीटर्स वो हैं जो मीटर्स अगर किसी को डाउट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन देगा कि मुझे शक है मेरा मीटर तेज चल रहा है, अकॉर्डिंगली उसके घर पे हम एक और मीटर लगा देंगे, एक नॉर्मल मीटर जो स्मार्ट मीटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे और हम दो दिन उसको वॉच करेंगे और देख लेंगे कंज्यूमर के सामने उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग बराबर आती है। और इससे जो भी लोगों को डाउट है कि ये मीटर तेज चलते हैं, ये एक्चुअल में तेज नहीं चलते, ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो मीटर थे वो भी एक्चुअल रिकॉर्ड करते थे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे, मगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। हमारा आदमी जाता था, रीडिंग लेता था और फिर वो आता था, उसमें कई बार गलती लग जाती थी या कई बार वो गलत रिकॉर्ड करता था। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं है, इसमें इसने ऑटोमेटिकली मीटर रीडिंग हमारे डाटा सेंटर में भेज देनी है और डेली बेसिस पे भेजेगा। और हर कंज्यूमर, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कंज्यूमर अपने मोबाइल पे अपनी आईडी डाल के अपनी रोज की रीडिंग चेक कर सकता है कि मेरी आज की कंजप्शन 3 यूनिट है, आज की कंजप्शन 10 यूनिट है। क्यों 10 यूनिट है? मैं 3 करना चाहता हूं तो कम इस्तेमाल करें बिजली तो 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मेरी हर रोज बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। नंबर 2, हमने सारे सब डिविजन्स में हफ्ते में 3 बार ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा स्टाफ रहेगा। जिसको भी कोई डाउट है स्मार्ट मीटर्स का स्पेशली, बिकॉज बाकी दिन और भी बड़े काम होते हैं, तो वो उनकी स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। मेरी जनता से यही अपील है कि जो लोग इसको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर्स ज़्यादा बिजली शो कर रहे हैं, कंजप्शन ज़्यादा शो कर रहे हैं, वो लोग अपने हमारे ऑफिस में आए, चेक मीटर लें, हमारा आदमी जाएगा, चेक मीटर लगाएगा, एक्शन साहब को एप्लीकेशन दें, क्रॉस चेक करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी लोगों के घरों में मैं कंज्यूमर्स को बोलना चाहता हूँ कि पुरानी अप्लायंसेस लगी होती हैं जो पावर कंज्यूम ज़्यादा करती हैं, नॉन स्टार रेटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी होती हैं, वो हटाएं, स्टार रेटेड लगाएं, जिससे उनकी कंजप्शन कम होगी। जिस कमरे में बैठते हैं उसी कमरे में एसी चलाएं, एसी का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री 26 डिग्री रखें, साथ में फैन चलाएं, कूलिंग ज़्यादा होगी। अगर आप स्टार रेटेड यूज करते हैं तो वो भी उससे एफिशिएंसी होगी और पावर कंजप्शन जो है वो कम होगी। हीटर मत इस्तेमाल करें, जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, बाद में बाहर जब निकलते हैं तो उसको ऑफ कर दें, आपकी कंजप्शन अपने आप डाउट कम हो जाएगी। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये मीटर फास्ट चलते हैं, उनकी बातों में नहीं आए, डिपार्टमेंट के साथ साथ दें। और जिसको भी अपनी रीडिंग चेक करनी है वो अपनी ऐप हमने यहाँ पे प्रिंट करके रखी हुई है, ये हमारा है jpdcl.co.in स्मार्ट मीटर्स, इसको लॉगिन करें, इसमें अपनी आईडी डालें और उसमें उनको अपनी कंजप्शन पता चल जाएगी, बिल भी पता चल जाएगा, सारी रीडिंग आ जाएगी। इसके अंदर, इस स्मार्ट मीटर में आपको इतने सारे फीचर्स हैं कि आप हर रोज का बिल देख सकते हो, ऑनलाइन आप बिल पेमेंट कर सकते हो, अपनी कंजप्शन चेक कर सकते हो, अपनी कंजप्शन जब आपकी बढ़ेगी तो आप कंट्रोल कर सकते हो बाय स्विचिंग ऑफ योर अननेसेसरी अप्लायंसेस। जो पुरानी आपकी मोटरें हैं उनको रिप्लेस कर लीजिए अगर वो बड़ी पावर ज्यादा पावर खाती हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि हम घर पे भी नहीं होते हैं मगर हमारा मीटर चलता है, उसके लिए जो आपके घर में
इन्वर्टर लगा हुआ है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है, जो आपका फ्रिज है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आपका इन्वर्टर और फ्रिज भी नहीं है, बंद है, तो भी जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो भी पावर कंज्यूम करता है। अगर आप घर पे नहीं है, बाहर जा रहे हैं हफ्ते के लिए, दस दिन के लिए, तो बिल्कुल मीटर से जो लाइन आ रही है वो, उसके बाद जो मेन स्विच है उसे ऑफ कीजिए, आपकी कंजप्शन जीरो रहेगी एज लॉन्ग एज दैट स्विच इज ऑफ। और इसके बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे एसी साहब हैं यहाँ पे, ये भी एसी साहब हैं, ये हमारे आईटी के इंजीनियर हैं, सारी टीम बैठी हुई है। तो बताइए आप, और सेकंडली इसमें एक और डाउट है लोगों को, कंज्यूमर्स को, कि ये महंगे मीटर और जब जल जाएंगे तो हमें इसकी रिप्लेसमेंट कास्ट देनी पड़ेगी। ये 5 साल की अंडर वारंटी पीरियड्स में है, जब भी डैमेज होंगे इसकी कोई रिप्लेसमेंट कास्ट नहीं देनी पड़ेगी, हमारी डिपार्टमेंट इसको फ्री रिप्लेस करेगा और इसको दोबारा चालू हो जाएगा। 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, उसके बाद दोबारा एक्सटेंड किया जाएगा 5 साल के बाद। सर, डिपार्टमेंट ने क्लेम किया था कि जब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेंगे तो 24 आवर बिजली जो है वो लोगों को मिल पाएगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा, इसलिए लोग सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे। हमने जब शुरू शुरू में मीटर लगाए थे तो 24 आवर सप्लाई दी थी, अभी भी जो हमारे फुली सैचुरेटेड मीटर्स हैं, फीडर्स हैं, वहां पे हम 24 घंटे पावर दे रहे हैं, मगर कोई फॉल्ट के कारण या ओवरलोडिंग के कारण कहीं पे कोई कंडक्टर स्नैप हो जाता है या ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है, तो उसलिए वहाँ पे ट्रांसफार्मर। जो पहले मीटर्स थे उनका बिल जो लोग कह रहे हैं कि 1000 रुपए तक आता था, जो नए मीटर्स हैं वो 5000 रुपए पर मंथ बिल पड़ रहा है, तो पहले मीटर में ऐसा क्या फ्लॉ था जो आपने इस मीटर में रेक्टिफाई किया, और अगर फ्लॉ था तो अकाउंटेबल किसको बनाया? आज तक क्यों नहीं अकाउंटेबल हुआ? जो पहले मीटर्स थे उसमें कोई फ्लॉ नहीं था जी, और वो जो आप कह रहे हैं कि पहले 1000 रुपए बिल आता था, 5000 रुपए बिल आता है, उसकी पहले रीडिंग ही प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। सर, वो किसी भी डायरेक्टली अब लोगों की जो पोटेंशियल है वो तो इतनी है नहीं, 1000 से आप 5000 रुपए आए हैं, अकाउंटेबल कौन है, फ्लॉ कहाँ था, फॉल्ट कहाँ था, कुछ ऐसे सवाल है जो हर व्यक्ति जानना चाह रहा है। फिर आपका भी देंगे, सबको देंगे, सबको सेट देंगे। उसमें ऐसा है, 1000 से 5000 बिल आ रहा है, पहले उसकी रीडिंग ही रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होती थी, या वो रीडिंग रिकॉर्ड ही नहीं करता था, इसीलिए जो मीटर है वो पोल पे लगाए गए हैं ताकि उसको कोई फिडल ना करे और उसकी जो एक्चुअल कंजप्शन है वो रिकॉर्ड करे। अगर उसको कोई डाउट है कि मेरा 5000 क्यों आ रहा है, तो अपनी कंजप्शन कम करे, डेली की डेली रीडिंग देखे क्या है। सर, कई बार यार, एक मिनट यार, एक कह रहा हूँ कि आपके डिजिटल मीटर आप ही ने लगाए, आप ही ने लगाए, 1000 रुपए बिल था, आप 5000 रुपए। आई एम जस्ट कोटिंग द क्वेश्चन जो आम व्यक्ति आपसे जानना चाह रहा है, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू जस्ट गिव यू प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अनियर। मुझे ये जानना है कि क्या फ्लॉ था, आप ये बताइए। मैं तो बोलूंगा, देखिए सर, ऐसा है, जिस मीटर का आपको 1000 रुपया बिल आता था वो एक स्पेसिफिक रीडिंग के हिसाब से आता था। हम ये कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों की एक्यूरेसी में कोई अंतर नहीं है, उसके लिए हम आपको चेक मीटर लगा के देने के लिए तैयार हैं। जो भी कंज्यूमर जहां से सेटिस्फाई नहीं है नए मीटर से, वो हमारे पास आए, हम उसको चेक मीटर लगाएंगे। अगर जितनी रीडिंग उसमें आएगी उसका ही हम पैसा मांगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मांगेंगे। तो चेक मीटर लगाएंगे, उसकी जो आप बात कर रहे हैं उसमें कौन ट्रस्ट करेगा? क्योंकि आपके डिजिटल मीटर पे तो आपने कहा डिजिटल मीटर था, नाउ यू हैव स्विच टू स्मार्ट मीटर, नाउ यू आर सेइंग हम एक चेक मीटर लगाएंगे, पब्लिक ट्रस्ट करेगी उसपे? चेक मैं सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक ट्रस्ट करेगी सर जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप एक आराम से मेरी बात सुन लीजिए, उसको ट्रस्ट करने के लिए हमारे पास क्लास, जो वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब है हमारी, जो हमारी टेस्टिंग लैब है, उस स्टैंडर्ड की लैब जो है ना, वो आपको पूरे इंडिया में शायद नहीं मिलेगी। जिसको भी कोई दिक्कत है, आप में से कोई भी आदमी हमारे पास आए, हम उसको स्मार्ट मीटर, चेक मीटर जो हम लगा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी वहां पे हम आपके सामने टेस्ट करके देंगे, और जितनी रीडिंग स्मार्ट मीटर में आ रही है, जितनी रीडिंग हमारे चेक मीटर में आएगी, हम आपको उसी हिसाब से पैसे लेंगे। कुछ लोग, अब आप एक मिनट, मेरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए, अब इसमें एक चीज और आप कह रहे हैं, 1000 बिल आ रहा था, 5000 बिल आ रहा है। भाई साहब, ऐसा है, 5000 बिल जब आएगा, अब इस वक्त हमारा ह्यूमिड मौसम चल रहा है,
एसी का मौसम चल रहा है इस वक्त, हो सकता है 5,000 आए। अभी एक मिनट आप मेरी पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद हाँ उसके बाद जब ये मौसम अभी आएगा ना दिवाली के आसपास, हमारा लोड बिल्कुल कम हो जाता है, जिसका 5,000 आ रहा है ना अभी, वहां पे आपका 1,000 से कम भी आएगा, तो तब आप नहीं कहोगे कि पहले 5,000 आ रहा था अब 1,000 आ रहा है, अब क्यों कम आ रहा है। जब ज्यादा आएगा, ज्यादा तभी आएगा जब मीटर ज्यादा बताएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं पब्लिक को, हम किसी कंज्यूमर को ये नहीं कहते कि भैया जो मीटर पे आ रहा है उसके हम तो उसी हिसाब से पैसा मांग रहे हैं, हम उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे। और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा तेज चल रहा है, उसके लिए हम सेटिस्फाई करना हमारा काम है, और उसके लिए जिसको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए आप अपनी एक टीम बना के आ जाइए। हम कुछ लोगों ने मीटर अभी अपनी कैलकुलेट करने के लिए डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर लगाए हैं, वो चेक भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रीडिंग नहीं मैच कर रही है, उसको लेकर हम सामने आएंगे फिगर्स को लेकर कि ये बिल्कुल मीटर की जगह हम डिजिटल मीटर ही लगाएंगे। चेक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, चेक मीटर यहाँ पे लगाएंगे वो एक पुराना मीटर होगा, डिजिटल मीटर होगा, नॉर्मल डिजिटल मीटर होगा, और उसको हम लगाएंगे, उसको कंज्यूमर भी वॉच कर लेगा एक इनिशियल रीडिंग। बात खत्म होने दीजिए, उसको हम ऐसा करेंगे कंज्यूमर की सील साइन करके पेपर की सील लगा देंगे, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी उसको साइन करेगा, कंज्यूमर भी साइन करेगा, और उस साइन के बाद दो दिन के बाद हम देख लेंगे किसकी रीडिंग का अंतर रिजप्शन हुई। आपने कहा कि पुराने मीटर बिल्कुल सही थे, तो क्या वजह रही कि आपने नए मीटर लोगों के ऊपर थोप दिए और डबल किराया आ रहा है? मेरी मेरी बात, इसके लिए बिल खत्म करता उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसका डबल बिल कैसे आ जाता है? एक महीने में वो फिनिश कर रहा है सारा बिल जी, एक ऐसा ऐसे सर मेरी बात सुनिए, आप एक एक करके पूछेंगे तो हम जवाब भी दे, हम बड़े आपको सेटिस्फेक्टरी आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। सर जनता को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? जगह जगह देख रहे धरने पर आप कह रहे हैं कि जनता को बरगलाया जा रहा है, एक लोग एक 10 लोगों को बरगलाया जाएगा, पर जब हजारों की तादाद में लोग हर क्षेत्र से निकल रहे हैं उनको तो बरगलाया, बिल कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है, तभी जनता आपसे स्पष्टीकरण चाहती है। हम आपको स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो पुराना मीटर है बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं पुराना मीटर भी ठीक है, नया मीटर भी ठीक है, हम दोनों को चेक करके दोनों को टेस्ट करके बता रहे हैं ना, उसको चेक मीटर लगा के मीटर लगा दे, जनता नहीं मान रही ना, पुराना मीटर 1,000 नहीं देगा ना, नहीं देगा, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट प्लीज जाके बैठ के देखिए प्लीज, हमने देखा सर वहाँ पे यही तो देखा है, कोई रिकॉर्डिंग किए हम जाएंगे ना साथ में, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, हम आप एक चेक मीटर लगाएंगे, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे चेक मीटर, उसके बाद हम उसको दो दिन के लिए सील करेंगे, उसको पेपर सील से कंज्यूमर भी साइन करेगा, दो दिन के बाद देख लेना कितनी रीडिंग है, बराबर रीडिंग। कुल मिलाकर आप ये मान रहे हैं कि पहले बिजली विभाग के लोग ही चोरी बिजली की करने में सहायता करते थे लोगों की? अगर अगर अपने उस मीटर पर ट्रस्ट नहीं, आप ऐसा करिए वहाँ पे तीन नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पे बोर्ड पे आप फोकस करिए, उस बोर्ड पे फोकस करिए, तीन नंबर लिखे हुए हैं टोल फ्री नंबर, ये 24/7 नंबर है, आपको रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे जब भी आप कॉल करोगे वहाँ पे हमारे 20 से 25 लोग रात को भी बैठे होते हैं, वो आपको जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम।